तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, एरर्स। तो एरर या एरर्स एंड एनालिसिस ऐसा भी बोला जाता है। अब ये चैप्टर कहाँ डील कर रहा है, ये चैप्टर डील करेगा कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं फिजिक्स की लैब में, हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो लेट अस सपोज कोई एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें मेरे को एक टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर पानी का लेवल है और मेरे को मेरे किसी टीचर ने कहा कि जाओ उस पानी का लेवल मेजर करके आओ। तो ठीक है, मैं गया और मैंने मेजर किया कि पानी का जो जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। मैं आया, मैंने बोला कि 10 सेंटीमीटर हाइट है, उसने कहा दोबारा मेजर करके। मैं फिर से गया, अब इस बार जो हाइट आई वो 10.1 सेंटीमीटर आई। मैंने कहा 10.1 है, अब उसने कहा चेंज कैसे होगी, दोबारा मेजर करके आओ, क्योंकि कन्फ्यूजन हो गई ना, 10 और 10.1 में कन्फ्यूजन हो गई। जब मैं फिर से गया तो इस बार जो हाइट आई वो 9.9 सेंटीमीटर दिख रही है मुझे। अब मुझे समझ में आ रही है गड़बड़ क्या हो रही है। ओ, मुझे पता लगा कि ऊपर ना पंखा चल रहा था, पानी का लेवल हिल रहा था। पहली बार गया तो 10 मेजर कर लिया, दूसरी बार गया तो 10.1 कर लिया, तीसरी बार 9.9 कर लिया, चौथी बार फिर 10 कर लिया। तो समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। जब ध्यान से देखा तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम आई हुई थी। तो किसने कहा ठीक है पंखा बंद कर दो, अब करो कैलकुलेशन, अब फिर जाके रीडिंग लेके आओ। पंखा बंद कर दिया, मैं रीडिंग लेने फिर गया। इस बार जो रीडिंग मैंने ली वो 10 सेंटीमीटर की जगह 9.8 सेंटीमीटर ले ली। अब मुझसे पूछा भाई अब कैसे गलती हुई, या अब 9.8 कैसे आ रही है। और अगली बार मेजर करने गया तो 9.7 ही आ गई, अगली बार करने गया 10.1 आ गई, गलती फिर हो रही है। अब समझ नहीं आ रहा गलती क्यों हो रही है, अब तो बिल्कुल सब कुछ सही भी है। तो मुझे पता लगा कि मेरा जो चश्मा है ना उसका नंबर ही खराब है। ओह, पता लगा, ओह चश्मे का नंबर खराब है तो इसलिए जो रीडिंग है वो सही नहीं आ पा रही। चलो मैंने चश्मे का नंबर भी ठीक कर लिया, फिर कहा रीडिंग लेके आओ। अब जब रीडिंग लेने गया तो क्या हुआ कि जो जिस इंस्ट्रूमेंट से मैं देख रहा था, मान लो एक लेंस था, वो लेंस या मशीन थी जिसमें से माइक्रोस्कोप की तरह कुछ देखना था, तो मुझे देखना पड़ता है थोड़ा उसको मशीन से। तो अब रीडिंग 10.2 आ गई, अगली बार गया 10.1 आ गई। अब समझ में आया आप क्या गड़बड़ है। ओ, पता लगा मशीन ही गड़बड़ है, जो मशीन है वही गलत कैलकुलेशन करके दे रही है, तो फिर मेरा भी क्या कसूर है। अब मतलब कि मैं सारा दिन यही करता रहूं कि वो 10 सेंटीमीटर मेजर करने के लिए मैं सारे पहले एनवायरनमेंट बनाता रहूं कि कहीं ये गलती तो नहीं हो गई, कोई वो गलती तो नहीं हो गई, कहीं वो गलती तो नहीं हो गई। क्योंकि आप ये लगा के चलो कि एक्सपेरिमेंट के दौरान कोई ना कोई एरर तो आपसे हो ही जाएगा। अब मान लो मशीन भी ठीक थी, पंखा भी नहीं चल रहा, सब कुछ ठीक था, लैब में मैं काम कर रहा था, दो लोग और काम कर रहे थे, ध्यान मेरा बातों में है। अब टीचर ने कहा रीडिंग लेके आओ, मैंने कहा यार लिख ले यार 10 है, 10.1 है। वो कहता ध्यान से देख ले। टीचर ने कौन सा रीड करना है, तो लिख देना 10.1। सारी जनता ऐसी तो करती है, कौन आ रहा है चेक करने, 10 की जगह 10.1 लिख ले, छोड़। अगली बार टीचर ने फिर बोला, चेक भी नहीं किया आधे लोगों ने, 10.2 लिख दिया। एरर होने के तो कई रीजन है ना, पर्सनल रीजन भी तो हो सकते हैं एरर होने के। तो यानी कि कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट होगा उसमें एरर्स किसी ना किसी तरीके का आ ही जाता है, चाहे वो बहुत माइन्यूट एरर हो। माइन्यूट एरर का मतलब चाहे मशीन की वजह से हो, हमारी वजह से हो, एनवायरनमेंट की वजह से हो, किसी भी वजह से हो, जिसको आप पूरी तरह हैंडल 100% कभी भी कर नहीं पाएंगे, तो आपकी कैलकुलेशन अब एग्जैक्ट बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आनी बहुत मुश्किल हो जाती है। इवन अगर मैं अपना वेट भी मेजर करूं वेइंग मशीन पे, वो भी 0.1 तो हिलता ही रहता है। मतलब आपने किसी का वेट मेजर किया 60.1, 60.2, 60.60, 60, आप कहते हो कम वाली रीडिंग मेरा वेट है, तो अदरवाइज आपको पता है वो 0.1 0.2 तो ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस होती रहेंगी और एरर्स आते रहेंगे, राइट। तो ये चैप्टर डील करता है कि मान लो आपने एक कैलकुलेशन की, मान लो आप लैब में गए फर्स्ट डे, आपसे टीचर ने कहा कि रीडिंग लेके आओ, आपने रीडिंग ली 10 सेंटीमीटर। आप कैसे इंश्योर करोगे कि पहली बार जो रीडिंग ली वो बिल्कुल सही रीडिंग है, आप कर ही नहीं सकते, क्या पता उसके अंदर कौन सा एरर आ जाए, क्या पता उसकी एग्जैक्ट रीडिंग जो पानी की रीडिंग लेनी है 9.9 आती है और आपकी पहली रीडिंग 10 है। हाँ, आप अपनी तरफ से तो बिल्कुल सही काम करते हो, लेकिन गलती को जान के थोड़ी ना करता है कि मैं आज गलती करूंगा 0.1 की तो मजा आएगा।
टेन, अब जो आपने पहली रीडिंग ली आपकी तरफ से वो एक्यूरेट है, जब आपने सेकेंड रीडिंग ली वो टेन की जगह 10.1 आई। अब फैसला करना कितना मुश्किल है कि पहली रीडिंग ठीक थी कि दूसरी रीडिंग ठीक थी। फिर कोई कहता है नहीं यार ना पहली ठीक है ना दूसरी, काम कर तू फिर लेके आ तीसरी, इस बार 10.2 आ गई। अरे कन्फ्यूज हो गए, 10 भी आ गई, 10.1 आ गई, 10.2 आ गई, फिर कन्फ्यूजन क्या लूँ, दोबारा कर ले गए 9.9 आ गई, फिर कन्फ्यूजन 10 सही है, 10.1 सही है, 10.2 सही है, 9.9 सही है, फिर लेने गए 9.8 आ गई। अरे बड़ी फ्लक्चुएशन है, आप खुद ही श्योर नहीं हो कि कौन सी रीडिंग सही रीडिंग आ रही है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी रीडिंग में से 4-5 रीडिंग या 10 रीडिंग जो आपने ली उसमें से कौन सी रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट मानी जाएगी, ये चैप्टर फैसला करेगा। प्लस ये इस चीज़ का और फैसला करेगा कि आपने जो भी रीडिंग्स ली उसके अंदर एरर्स आए होंगे। एरर्स मतलब जैसे मैंने किसी को कहा कि लेट अस सपोज इस रूम का साइज मेजर करना है तो आप उसकी लेंथ मेजर करो रूम की कितनी है, तो किसी ने कहा ठीक है सर 70 फीट है और या 70 फीट, उसे 70.1 फीट बोल दिया, एरर कर दिया, ध्यान नहीं था, नहीं रीड कर पाया, अप्रोक्सीमेट बोल दिया, थोड़ा ज़्यादा बोल दिया। और मैंने कहा विड्थ कितनी है, तो विड्थ थी 16 फीट, उसने बोला 16.2 फीट, अब 0.2 का वो एरर मुझे बता रहा है और 0.1 का एरर मुझे लेंथ में बता रहा है, और मुझे इस रूम का क्या निकालना है, एरिया। अब सोचो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो एरर कितना बड़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी पॉइंट है। अब मैं हर बार तो नहीं कर सकता ना कि उसकी रीडिंग जो मुझे रीडिंग दे रहा है पहले मैं उसका काम करूं, भाई तेरा काम पहले मैं कर लेता हूं ताकि मेरी तसल्ली हो जाए कि तूने रीडिंग सही ली कि नहीं ली, फिर मैं अपना काम करूंगा एरिया निकालने का। तो मेरे को जो रीडिंग्स आ रही हैं उसको एज इट इज लेना है, पर उनमें जो एरर्स हैं उसका क्या करना है ये चैप्टर उसकी कैलकुलेशन में डील करेगा। तो अगर वो सही रीडिंग देता है मुझे 70 और 16, फिर तो मैं एरिया भी सही निकाल दूंगा। लेकिन अगर एरिया, अगर लेंथ और विड्थ मुझे एरर के साथ देता है तो फिर मेरा आंसर क्या सही माना जाएगा ये मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं, चैप्टर किस में डील कर रहा है, कुछ गलत कैलकुलेशंस को डील करता है कि आप जो गलतियां करते हो, जो एरर्स करते हो, उसकी कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं। तो ये चैप्टर स्टार्ट है एरर से। तो एरर के अंदर क्या होता है, एक होता है ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू का मतलब जो एक्यूरेट वैल्यू है, जैसे इस पेन की लेंथ 10 सेंटीमीटर तो एक्यूरेट 10 सेंटीमीटर है। और एक होता है मेजर्ड वैल्यू, जो मैंने क्या की, मेजर की। जो मैंने मेजर की वो गलत हो सकती है, वो सही भी हो सकती है। अगर तो हुई सही, 10 सेंटीमीटर ही मेजर की, फिर तो एरर क्या आया, जीरो। पर अगर मैंने ज़्यादा मेजर कर दी या कम मेजर कर दी फिर क्या आएगा उसमें, एरर आएगा। तो अगर मैंने 10 सेंटीमीटर की जगह क्या मेजर किया, 10.1 सेंटीमीटर, तो एरर कितना आया, 0.1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ट्रू वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू है उनका जो डिफरेंस है उसको हम क्या नाम देंगे, एरर है। वैसे होना ये चाहिए था मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, नहीं तो ऐसा कर लो आप इसमें लगा लो मॉड। मॉड का मतलब ओनली वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो बड़े में से छोटा, छोटे में से बड़ा, जो भी डिफरेंस आएगा वही क्या कहलाएगा, एरर। तो एरर क्या है समझ में आता है, डिफरेंस इन वैल्यू को एरर बोलते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो कहते हैं मान लो मेरी मेजर्ड वैल्यू कितनी है 2.1 और एक्यूरेट या ट्रू वैल्यू कितनी है इसमें 2, तो बोलो एरर कितना है कैलकुलेशन में, 2.1 माइनस 2 कितना, 0.1। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो एरर कितना समझ में आ रहा है, 0.1। अब कुछ टाइप्स ऑफ एरर बता रखे हैं कि गलतियां लैब में या एक्सपेरिमेंट्स में क्यों होती हैं, क्या रीजन है, तो टाइप ऑफ एरर वो बताता है। पहले टाइप का एरर जो मेंशन किया गया उसका नाम क्या है, कांस्टेंट एरर। एक वेइंग मशीन है, एक वेइंग मशीन हमेशा 5 kg का गलत, ज़्यादा रीडिंग देती है। जिस बंदे का वेट 50 है 55 देती है, जिसका वेट 60 है 65 देती है, 70 है 75 देती है, तो कितने का एरर हर बार आ रहा है, 5 का। तो यानी कि कौन सा एरर की कैटेगरी में जाएगा, कांस्टेंट एरर। तो कांस्टेंट एरर वो एरर है जो बार बार सेम वैल्यू से क्या होता है, रिपीट होता है। सेकेंड एरर कौन सा है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब अगर आपकी मशीन ही खराब है तो ऑब्वियसली रीडिंग क्या आएगी, गलत आएगी।
तो इंस्ट्रूमेंटल एरर होने का रीजन क्या है? मशीन का खराब होना। तो मशीन का खराब होना इज बेसिकली व्हाट? इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, कोई भी मशीन खराब हो सकती है तो इंस्ट्रूमेंट एरर देगा। नेक्स्ट है पर्सनल एरर। चश्मा मेरा खराब है, मेरी प्रॉब्लम है, उसमें मशीन की प्रॉब्लम नहीं है, मेरा पर्सनल एरर है। ध्यान मेरा नहीं है काम करने में, मैं गलत रीडिंग बता रहा हूं, तो मेरा पर्सनल एरर है, ह्यूमन एरर है। ठीक, पर्सनल एरर। नेक्स्ट क्या है? एरर ड्यू टू एक्सटर्नल रीजन। ये मेरे हाथ में नहीं है, मैंने ये कहा किसी को कि भाई जा तू एक काम कर, तू मुंबई का टेम्परेचर मेजर करके आ। अब जो टेम्परेचर है वहां का नॉर्मली 35 और 40 के बीच में रहता है। जिस दिन वो स्टूडेंट मेजर करने गया उस दिन बहुत तेज बारिश हो गई और टेम्परेचर आ गया 18। एयरपोर्ट से उतरा, 18 मेजर किया, वापस प्लेन पकड़ के वापस आ गया। कहते हैं बॉम्बे का टेम्परेचर है 18। मैंने कहा ये क्या बात है, रोज तो देखता हूँ गर्मी पड़ रही है वहाँ पर। वो कहता मैं तो 18 ही मेजर करके आया हूँ, उसकी तो कोई गलती नहीं, मशीन की तो कोई गलती नहीं, पर उस दिन उसके हाथ में कुछ नहीं था। अब बारिश ही पड़ गई, अब वो बारिश वाले दिन ही टेम्परेचर मेजर करेगा तो डाउन ही आएगा। पहाड़ों में चला गया प्रेशर मेजर करने, पहाड़ों में प्रेशर बहुत जल्दी गिर जाता है, तो नॉर्मल प्रेशर जो भी था उससे गिर गया जहाँ जिस दिन वो गया। अब ये तो नहीं हुआ ना कि उसका प्रेशर पहाड़ों का उतना ही प्रेशर है, एक्सेप्शनल केस है, हमारे हाथ में नहीं है। तो जो हमारे हाथ में नहीं है तो ऊपर वाले के हाथ में है टेम्परेचर प्रेशर, उसको बोलते हैं किसके हाथ में है? एक्सटर्नल। हम इंटरनल हैं, वो एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल रीजन की वजह से एरर है, तो ये भी एक एरर का रीजन है। तो एरर होने के तो एन नंबर ऑफ रीजन हैं, जितने मर्जी रीजन बना लो, गलती तो कहीं से भी हो सकती है। अब मान लो किसी ने कहा कि एक रीडिंग लेके आओ, मैंने रीडिंग ले ली, रीडिंग आ गई 10.1। अब कोई मुझे कहता है इसमें एरर है, मैंने काम भी ध्यान से किया, मैंने सारी चीज़ों का ध्यान भी रखा, तो भी एरर आ गया, लेकिन मुझे रीज़न नहीं पता लगा आज तक कि वो एरर क्यों आया। वो मशीन की वजह से भी हो सकता है, मेरी गलती की वजह से भी हो सकता है, किसी भी चीज़ की गलती की वजह से हो सकता है। तो जब मुझे रीज़न पता ही नहीं पर एरर है, तो मैं किस कैटेगरी में डाल दूंगा उसे? रैंडम एरर है। भाई होता होगा कोई एरर मुझे पता ही नहीं चलता, मैं किस कैटेगरी में डालूंगा? मुझे पता नहीं। मुझे पता नहीं को क्या बोलते हैं? रैंडम एरर है। तो यानी कि एरर तो आप लगा के चलो कि कैलकुलेशन में एरर तो होने ही हैं, रीजन तो कुछ भी हो सकता है। तो हम इस चैप्टर में एरर क्यों हुआ वो तो बिल्कुल भी स्टडी नहीं करेंगे, वो तो कर लिया, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या स्टडी करेंगे कि एरर तो मान लो हो गया, गलती तो हो गई, कैलकुलेशन तो गलत आ गई, अब आगे क्या करना है? क्लियर है यहां तक? तो मैथमेटिकली कैलकुलेशंस कैसे करनी है इसके ऊपर काम चलेगा। तो इसमें जैसे सपोज करो एक स्टूडेंट लैब में काम करता है और कुछ ऑब्जर्वेशंस नोट करता है। ऑब्जर्वेशंस क्या नोट करता है? लैब के अंदर मान लो उसने कोई लेंथ मेजर करनी थी, तो उसकी पहली ऑब्जर्वेशन कितनी है? 2। उसकी दूसरी ऑब्जर्वेशन कितनी है? 2.1। तीसरी ऑब्जर्वेशन कितनी है? 2.2। फिर वही ऑब्जर्वेशन कितनी है? 2। नेक्स्ट कितनी है? 1.9। नेक्स्ट कितनी है? 1.8। खुद ही फैसला नहीं कर पा रहा कि इसमें से सही रीडिंग कौन सी है। 6 बार एक्सपेरिमेंट कर दिया, 6 की 6 बार एक्सपेरिमेंट में ऑलमोस्ट काफी बार रीडिंग डिफर होके आ रही है। अब कोई टीचर कहेगा ये बता कि तेरी रीडिंग्स क्या हैं, कहेगा ये रीडिंग्स हैं, क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट एक बार में सक्सेस नहीं होता, कल मल्टीपल टाइम रीडिंग लेनी पड़ती है। तो टीचर ने कहा कि एक ये बता कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, एक वैल्यू बता। अब कैसे फैसला करे कि ये सही ये सही ये सही कि ये सही? उसको क्या पता क्या सही? अगर उसको यही पता होता क्या सही, फिर चैप्टर को स्टडी करना, फिर तो एरर आएगा ही नहीं कभी भी, क्योंकि आपको तो पता है कि एरर कभी आएगा ही नहीं, आप तो सही रीडिंग ले रहे हो, तो आपको खुद ही नहीं पता होता कि रीडिंग सही है या गलत है। तो सही रीडिंग माना जाता है
अगर आप इन सभी वैल्यूज का क्या ले लो, एवरेज, अगर आप इन सभी वैल्यूज का क्या लो, एवरेज, तो जब आप इनका एवरेज लेते हो तो मान लो इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 6 किया और आंसर क्या आया, 2। अब आप कह सकते हो कि मेरी सही रीडिंग क्या मानी जाएगी, 2। क्लियर है यहां तक? तो इसीलिए जब फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें 100-100 बार रीडिंग्स लेते हैं ताकि एक्यूरेसी ज़्यादा आ सके, क्योंकि 100 बार में जितनी भी गलतियां करोगे उसका एवरेज लोगे तो ऑलमोस्ट सही आंसर ही माना जाएगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो हम इतनी ऑब्जर्वेशंस लेने के बाद जो एवरेज लेंगे वो मेरी सही वैल्यू मानी जाएगी, कोई डाउट इसमें? ठीक। अब टीचर ने कहा तेरा एरर क्या आया ये बता, गलती भी तो की होगी। तो वो कहता है मेरी सही वैल्यू कितनी है, 2। मेरी पहली ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 2। तो मेरी पहली रीडिंग में एरर क्या आया, 2 में से मैंने 2 माइनस किया तो 0, कोई एरर नहीं है। तो टीचर ने कहा सेकेंड ऑब्जर्वेशन में एरर कितना है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन कितनी है, 2.1। एरर कितना है इसमें, सॉरी करेक्ट वैल्यू कितनी है, 2। तो 2.1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0.1। तो पहले सेकेंड रीडिंग में एरर कितना है, 0.1। थर्ड ऑब्जर्वेशन 2.2, करेक्ट वैल्यू कितनी मानी जाएगी, 2। एरर कितना, 0.2। नेक्स्ट में कितना, 0। नेक्स्ट में 1.9 माइनस 2 कितना, माइनस 0.1। और नेक्स्ट में 1.8 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 0.2, कोई डाउट इसमें? तो स्टूडेंट ने बताया कि हर रीडिंग में मेरा कुछ ना कुछ एरर आया, किसी में नहीं भी आया पर काफियों में आया। क्या क्या आया, ये मेरे एरर्स आए, राइट? तो टीचर ने कहा मुझे 6-6 एरर्स मत बता, मुझे बस ये बता कि एक ओवरऑल एरर कितना आया इसमें। ये मत बता कि हर रीडिंग में कितना एरर है, ये बता कि पूरे एक्सपेरिमेंट का एरर कितना है। पूरे एक्सपेरिमेंट का एरर के लिए हमें क्या करना चाहिए, सभी एरर्स का एवरेज। अब जब मैंने एवरेज किया, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, माइनस और ये प्लस कैंसल, ये और ये टर्म कैंसल, तो नेट सम क्या आ गया, 0। तो मैंने बोला कोई एरर ही नहीं आया। मैंने कहा कमाल है, इतने एरर करने के बाद भी ओवरऑल एरर क्या है, 0, ये तो हो ही नहीं सकता, पॉइंट है। तो आंसर 0, एरर नहीं है। तो इसलिए रूल बनाया गया, जब आप एवरेज लेते हो एरर्स का तो कुछ एरर्स पॉजिटिव आते हैं, कुछ नेगेटिव आते हैं, पर एवरेज लेने के टाइम पे आप क्या लगाओगे, मॉड। मॉड का मतलब ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। तो आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लगाओ और पॉजिटिव वैल्यूज को लेके इनका एवरेज ले लो, यानी कि 0 प्लस 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0 प्लस 0.1, माइनस नहीं लगाना, प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 6। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे अब आंसर 0 नहीं आएगा, अब कितना आ रहा है मान लो 0.1। तो अब फाइनल आंसर क्या बताओगे टीचर को, आप कहोगे कि मेरा आंसर है करेक्ट वैल्यू इज 2 पूरे एक्सपेरिमेंट की, और जिसमें एवरेज क्या, जिसमें एवरेज एरर कितना आ रहा है, 0.1। और एवरेज एरर में ज्यादा भी आ सकता है और कम भी आ सकता है, इसलिए साइन क्या लगेगा, प्लस माइनस। इट कैन बी रॉन्ग, फिर तो वी कैन नॉट फाइंड द करेक्ट वैल्यू, फिर तो कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो क्लियर है यहां तक? तो आपकी रीडिंग क्या मानी जाएगी, 2 प्लस माइनस 0.1, क्योंकि एरर कैन बी पॉजिटिव, एरर कैन बी नेगेटिव। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या करना है, जब आपकी जो बुक्स हैं वो इस बात को ऐसे नहीं बताती, 2.1 2.1 ऐसे नहीं है, बुक्स ऐसे समझाती हैं, बुकिश लैंग्वेज ऐसी है
कि एक स्टूडेंट ने ऑब्जर्वेशन ली, और ऑब्जर्वेशन पहली क्या ली A1, दूसरी क्या ली A2, तीसरी क्या ली A3, लास्ट क्या ली AN। वो तो मेरा तरीका था 2, 2.1, 1.9, ऐसे थोड़ी ना होता है, ये ऑब्जर्वेशन है। करेक्ट वैल्यू क्या मानी जाएगी, इन सब का एवरेज मीन, तो मीन ले लिया इसमें, तो मीन की वैल्यू AM है, तो ये इसकी करेक्ट वैल्यू है। क्लियर है? पहली ऑब्जर्वेशन में एरर क्या होगा, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है A1 और ये मीन वैल्यू है, तो A1 माइनस A1 AM। सेकंड में एरर क्या होगा, A2 माइनस AM, नेक्स्ट में A3 माइनस AM, लास्ट में AN माइनस AM। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, जब दो टर्म्स को माइनस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, चेंज इन वैल्यू, और चेंज को फिजिक्स में क्या बोलते हैं, हमने लास्ट चैप्टर में किया था डेल्टा, डेल्टा का मतलब चेंज। तो इसको कैसे रीड करेंगे, दिस इज चेंज इन वैल्यू ऑफ रीडिंग A1, इसी को क्या बोलते हैं एरर। तो पहली रीडिंग में एरर को क्या लिखा गया, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा AN। और एवरेज एरर निकालने के लिए इन सभी एरर्स को का क्या लेना पड़ेगा, मीन। तो मीन क्या आएगा, डेल्टा AM, वही सेम एक्सपेरिमेंट जो मैं कर रहा था। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, AM प्लस माइनस डेल्टा AM। तो ये कौन सी वैल्यू है, ये मीन वैल्यू, करेक्ट वैल्यू मानी जाती है, और ये कौन सा एरर है, ये एवरेज एरर है, पूरे एक्सपेरिमेंट का एवरेज एरर है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ रहा है कि एरर्स के अंदर कैसे कैलकुलेशन की जाती है? पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स। एरर को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है? एरर्स को रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका एब्सोल्यूट एरर। ये एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, इसको समझ लो, बहुत सिंपल है। आपके पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू किसी रीडिंग की कितनी है, 2.1, और ट्रू वैल्यू या करेक्ट वैल्यू कितनी है, 2। मान लो आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी है, 2.1, और आपकी रीडिंग कितनी है, 2, तो एरर कितना आया, 0.1। आपने माइनस करके एरर निकाल दिया, जो माइनस करके इस तरीके से एरर निकलता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। सिंपल, ट्रू रीडिंग ऑब्जर्वेशन दोनों को माइनस किया तो क्या आएगा, एब्सोल्यूट एरर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जो हमने ऑब्जर्वेशन ली, जो मैंने ली, और ट्रू वैल्यू जो एग्जैक्टली थी, उनके डिफरेंस को क्या नाम दिया, एब्सोल्यूट एरर। तो एग्जांपल भी दिया कि मेरी ऑब्जर्वेशन कितनी है, 2.1, और उसकी सही वैल्यू कितनी है, 2, दोनों को माइनस किया तो क्या आया, 0.1, तो ये क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट एरर। तो जैसे हम ये कैलकुलेशन जब कर रहे थे ना, ये क्या थी ऑब्जर्वेशन, ये क्या थी ट्रू वैल्यू, इनका डिफरेंस ही क्या था, ये क्या निकाल रहा था, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से। तो डेल्टा A1 का मतलब एब्सोल्यूट एरर इन A1, डेल्टा A2 का मतलब एब्सोल्यूट एरर इन A2, डेल्टा A3 का मतलब एब्सोल्यूट एरर इन A3। तो कुछ नहीं, एब्सोल्यूट एरर, दो वैल्यूज के डिफरेंस को डेल्टा, चेंज डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। तो क्लियर है यहाँ तक एब्सोल्यूट एरर, राइट? इसको यूज कैसे करना है भी बताऊंगा। अब जैसे एक स्टूडेंट ने मुझे रीडिंग बताई, एक स्टूडेंट बोलता है कि मेरी जो रीडिंग है वो है 2 प्लस माइनस 0.1। अब इसका मतलब उसकी जो ट्रू वैल्यू है, सही वैल्यू है, वो कितनी है, 2,
लेकिन साथ ही साथ क्या बता रहा है कि इसके अंदर एरर कितना है, 0.1 ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, वो मैं कह नहीं सकता, कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी। तो जो पहली रीडिंग है उसको क्या मानेंगे, ट्रू या करेक्ट वैल्यू, और इसको ये कौन सा एरर कहलाएगा, एब्सोल्यूट एरर। मतलब किसी ने रीडिंग ली होगी 2.1 और करेक्ट वैल्यू कितनी है 2, तो डिफरेंस कितना है 0.1, तो उसने पीछे लिख दिया 0.1। जैसे रीडिंग थी 2 करेक्ट, उसने ली माइनस, उसने ली 1.9, तो डिफरेंस कितना आया -0.1। तो 0.1 ज्यादा भी हो सकती है, 0.1 कम भी हो सकती है, तो दोनों केस में दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो जैसे जैसे एक और एग्जांपल, आपको अगर ये रीडिंग दी जाएगी 2 ± 0.1, तो 2 का मतलब करेक्ट वैल्यू, तो मान लो करेक्ट वैल्यू को किससे रिप्रेजेंट किया, ए से, और 0.1 का मतलब एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय डेल्टा ए। मतलब ये एरर किसका है, ए की मेजरमेंट का, तो यहां पर क्या आएगा, डेल्टा ए। जैसे अगर मैं इस ट्रू वैल्यू को किससे रिप्रेजेंट करता, बी से, तो इसके एरर को किससे रिप्रेजेंट करते, डेल्टा बी से। अगर ये होता सी, तो इसको क्या लिखते, डेल्टा सी। तो मेरी ऑब्जर्वेशन अगर एक्स, तो उसके अंदर एरर क्या कहलाएगा, डेल्टा एक्स। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक। जैसे और एग्जांपल, मान लो करेक्ट एक एक लेंथ है, किसी भी चीज की जो लेंथ है ये रही, इसकी एग्जैक्ट रीडिंग कितनी है 2, मैंने कितनी ले ली 2.1, तो करेक्ट रीडिंग ये रही, करेक्ट रीडिंग को किससे रिप्रेजेंट करना है, ए से। तो डेल्टा ए क्या होगा इसमें, बोलो, 0.1, क्योंकि डेल्टा ए क्या होगा, जो आपकी ऑब्जर्वेशन है और जो करेक्ट रीडिंग है वो क्या होगा, 0.1। तो समझ में आ रहा है कि डेल्टा ए और ए में क्या फर्क है, ए का मतलब जो करेक्ट रीडिंग, डेल्टा ए का मतलब जो आपने रीडिंग ली और जो करेक्ट रीडिंग है, उनके डिफरेंस को डेल्टा ए बोलेंगे। कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो पॉइंट क्लियर है यहां तक, हाउ टू रिप्रेजेंट दिस थिंग। तो सेकंड मेथड एरर्स को रिप्रेजेंट करने का, कौन सा मेथड, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर एक ही बात है, रिलेटिव फ्रैक्शन एक ही बात है, ध्यान से देखना। मान लो आपकी ऑब्जर्वेशन है 2 ± 0.1, ठीक है, ये क्या वैल्यू है, करेक्ट वैल्यू, ये कौन सा एरर है, एब्सोल्यूट एरर। तो अगर मैं एब्सोल्यूट एरर को करेक्ट वैल्यू से डिवाइड कर दूं, अगर मैं एब्सोल्यूट एरर को करेक्ट वैल्यू से डिवाइड कर दूं, तो फ्रैक्शन आएगी, इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। कुछ भी नहीं करना, एब्सोल्यूट एरर को करेक्ट वैल्यू से डिवाइड कर दो, फ्रैक्शनल एरर या फिर रिलेटिव एरर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये आपका रिलेटिव एरर है। जैसे अगर रीडिंग है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, तो रिलेटिव एरर बोलो क्या हुआ, डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्योंकि डेल्टा ए कौन सा एरर है, एब्सोल्यूट, और ए कौन सी वैल्यू है, करेक्ट वैल्यू। तो डेल्टा ए को ए से क्या कर दिया, डिवाइड। अब एक स्टूडेंट आया, कहता ठीक है बहुत बढ़िया डिवाइड किया, मैं ऐसा कर दूं ए से ए क्या हो गया, कैंसल, तो फिर क्या बचा, डेल्टा। सही है, अकेला डेल्टा क्या होता है, चेंज। तो मैं बोलूंगा चेंज, आप बोलोगे सर क्या चीज चेंज की है तो बता दो, नहीं मैंने कहा बस चेंज। भाई चेंज क्या, एक्स की वैल्यू चेंज करनी है, ए की वैल्यू चेंज करनी है, वाई की वैल्यू चेंज करनी है, टी की वैल्यू चेंज, नहीं मैं बोल रहा हूँ बस चेंज। आप बोलोगे फिर रहने दो, अपने पास ही रख लो चेंज, ठीक। तो ऑब्वियसली डेल्टा अकेले का कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि
डेल्टा को ए से सेपरेट नहीं करना, डेल्टा ए का मतलब क्या है, चेंज, चेंज इन वैल्यू ऑफ ए। डेल्टा ए को कैसे रीड करेंगे, चेंज इन वैल्यू ऑफ ए, और ए का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ ए, ए तो वैल्यू ऑफ ए ही है, तो क्या मैं ऐसे कैंसिल करके सिर्फ चेंज रख लूं, ऐसा थोड़ा ना होता है। डेल्टा ए का मतलब पूरे का पूरा मतलब है चेंज इन वैल्यू ऑफ ए, तो कभी भी ए और डेल्टा ए को कैंसिल नहीं करना। में देर इज नो चांस की एरर विल बी जीरो, क्योंकि इफ एरर विल बी जीरो तो क्लोज द चैप्टर। और हम तो 9-10 तक काम कर ही रहे थे बिना एरर के, हमें कौन सा कोई एरर आता था, हम तो कहते थे ये फील्ड, ये रूम है, रूम की लेंथ 10 मीटर है, ये 12 मीटर, एरिया निकाल दो, हमें किसने कोई गलत गलत रीडिंग दी, इसमें पक्का एरर आएगा ही आएगा। अरे एरर को कैलकुलेशन सीखनी है, अभी शुरू होगा, अभी देखते जाओ क्या होगा, अभी तो बस रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, हाउ टू रिप्रेजेंट, अब सिखाऊंगा हाउ टू यूज, तो यूज एंड में आएगा। पहले समझ तो नहीं कि एरर्स को लिखते कैसे हैं, इसको इसको बोलना कैसे है, टर्म्स क्या यूज होंगी, उसके बाद ही आप कुछ कर पाओगे। तो याद तक क्लियर है, तो जैसे जैसे ये आपने डिवाइड किया, जैसे फॉर एग्जांपल आपको रीडिंग दूंगा 2 ± 0.1, तो ऑब्वियसली इसका रिलेटिव एरर बोलो क्या होगा, 0.1 / 2, प्लस माइनस लिखना है लिख दो, नहीं लिखना मत लिखो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आता नहीं है, क्वेश्चन किसी और तरीके से आता है, बताऊंगा कैसा आता है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब एक और एरर है जिसका नाम है परसेंटेज एरर, ये बड़ा आसान है। रिलेटिव एरर किस में आया था, फ्रैक्शन में। तो अगर आप पीछे रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगी, परसेंटेज। तो रिलेटिव एरर, जैसे मान लो इसमें रिलेटिव एरर कितना है, 0.1/2, को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कौन सा एरर आ गया, परसेंटेज एरर। तो सिंपल है, तो रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज एरर। तो जैसे ये रहा, ये 0.1 है, ये 2 है, इसको मान लो मन में डेल्टा ए, ये ए, तो रिलेटिव एरर क्या होगा, डेल्टा ए बाय ए इनटू 100 या 0.1/2 इनटू 100। क्या ये स्टेप क्लियर है? ठीक, अभी तो सिर्फ बताया है एरर है क्या, एरर को रिप्रेजेंट करना कैसे है, कि एब्सोल्यूट एरर है, रिलेटिव एरर है, परसेंटेज एरर है। अच्छी बात यह है आपको कुछ भी याद नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं आने वाला। कहीं आप सोचो आप स्कूल जाओ, आपसे पूछेगा राइट टाइप ऑफ एरर्स, कुछ ना पूछेगा, आपसे पूछेगा हाउ डू वी रिप्रेजेंट एरर, एक्सप्लेन 3 मेथड, आप लिखोगे फर्स्ट इज एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, फ्रैक्शन, कुछ नहीं आएगा। तो क्या आएगा, मैं कैलकुलस को भी बोलता था कुछ नहीं आएगा, मैं इसको भी बोलता हूँ कुछ नहीं आएगा, इसका सीधा एप्लीकेशन आएगा, इसका सीधा एक न्यूमेरिकली आएगा कि भाई ये ऑब्जर्वेशंस हैं, इसमें बोलो एरर निकाल के दिखाओ क्या एरर आएगा। बस ये सारी चीज़ें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आप चीज़ों को कैसे समझते हैं, क्लियर है? और जो बुक्स रीड करते हैं तो बुक के अंदर आपको पूरी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, वो किताब कैसे लिखती है, क्लियर है? तो ये अंडरस्टैंडिंग और ये पूरे टाइप ऑफ एरर्स, उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। ठीक, अब देखो कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है किसी ऑब्जर्वेशन में एरर है 2, 2 तो करेक्ट वैल्यू है, प्लस माइनस 0.2 नहीं 5%, तो वो आपको यहां पर अब एब्सोल्यूट एरर नहीं दे रहा, वो कौन सा एरर दे रहा है, परसेंटेज एरर। उसकी मर्जी, वो परसेंट में दे, वो फ्रैक्शन में दे, वो एग्जैक्ट वैल्यू में दे, वो उसकी मर्जी जो क्वेश्चन पूछेगा। अब प्रॉब्लम कैसी आएगी, जैसे पहली प्रॉब्लम, ये तो कहानी है पूरी सुन ली, पहली प्रॉब्लम, एक एक्सपेरिमेंट में एक स्टूडेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक्सपेरिमेंट करता है, उस एक्सपेरिमेंट में कुछ ऑब्जर्वेशन लिखता है, क्या ऑब्जर्वेशन आती हैं, 1.45, 1.56 लेके 1.53 लिख ली। पहला क्वेश्चन आएगा फाइंड मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या करेंगे बोलो, इन सारी वैल्यूज को
ऐड करेंगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स 6 एंड डिवाइड बाय 6। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो आपको इस क्वेश्चन में आप ना इसको ऐसे लिखना, 1.45 लिख लेना, 1.56 लिख लेना, 1.54, 1.44, 1.54, 1.53 लिख लिया। तो आप इसका क्या निकालेंगे? मीन। इसका एवरेज मैंने अपने रेफरेंस के लिए लिखा हुआ है, कितना आएगा? 1.51। तो पहला आंसर आ जाएगा। आप सोच रहे हैं कि मैंने मेडिकल करने को नहीं दिया, क्या करूं, एवरेज निकालना सिखाऊं? नहीं, ये तो मैं बता रहा हूं कि ऐसा कर लेना। असली क्वेश्चन अभी आने वाले हैं जिसमें आपने काम करना है, काम अभी नहीं करना है, पर काम तो तब करोगे ना जब कोई कॉन्सेप्ट पता हो करना क्या है। ठीक, अभी कैलकुलस की तरह नहीं है, लिखो एक फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ यू इन टू वी। चलो आपने फॉर्मूला किया, चार न्यूमेरिकल, चलो मज़ा आ गया। अब आपको पूरा चैप्टर सुनना पड़ेगा, कुछ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, फिर उसके न्यूमेरिकल आएंगे, और न्यूमेरिकल भी ढेर सारे आएंगे, चिंता ना करो। ठीक, नेक्स्ट क्या निकालना है? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, एक काम करें पहले एब्सोल्यूट एरर निकाल लें। पहले रीडिंग में बोलो एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा। 1.45 पहली रीडिंग में, जो पहली रीडिंग है उसमें एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा? 1.45 माइनस 1.51, ये करेक्ट वैल्यू है। दूसरे में बोलो क्या आएगा? 1.56, 1.51, तीसरे में 1.54, 1.51, नेक्स्ट में 1.44, 1.51, नेक्स्ट में 1.54, 1.51, नेक्स्ट में 1.53, 1.51। तो माइनस कर लोगे और सिर्फ वैल्यू लेनी है और मैग्नीट्यूड लेना है, नेगेटिव साइन यहां पर कंसीडर नहीं करना। कर लोगे हर टर्म को माइनस, माइनस करने के बाद एवरेज ले लोगे, इसे सॉल्व करके ओनली पॉजिटिव वैल्यूज का एवरेज ले लोगे, एवरेज जो आएगा वो आएगा 0.04। एक और आंसर आ गया, इसका नाम क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि ये सारे के सारे कौन से एरर्स हैं? एब्सोल्यूट, और हमने उसका क्या निकाला? मीन। तो क्या नाम हुआ? मीन एब्सोल्यूट एरर। कोई डाउट इसमें? क्या स्टेप क्लियर है? दूसरा आंसर, तीसरा क्या पूछेगा? फाइंड फ्रैक्शनल एरर। अब आप फाइनल रीडिंग क्या दोगे? आप फाइनल रीडिंग दोगे 1.51 प्लस माइनस 0.04। तो बोलो इसमें रिलेटिव एरर क्या होगा? 0.04 डिवाइडेड बाय 1.51। नेक्स्ट आंसर, और अगर परसेंटेज आंसर निकालना है, परसेंटेज एरर क्या होगा बोलो? 0.04 डिवाइडेड बाय 1.51 इनटू 100। क्या ये पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो ये पहला न्यूमेरिकल है आपका, जिस बेसिक न्यूमेरिकल कि कैसे आपको ऑब्जर्वेशन के साथ आंसर पूछा जा सकता है। मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि इसके ऊपर तो एक आध क्वेश्चन है, असली चैप्टर तो स्टार्ट होना है। ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन थी चैप्टर की कि ऐसा होता है, और ये रिप्रेजेंटेशन है एरर्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है। अब जो असली चीज़ है जो हमने करनी है वो क्या है? अब यहाँ से काम स्टार्ट है मैथमेटिकल। थ्योरी नहीं करते हम फिजिक्स में, ये तो चलो एक चैप्टर ऐसा था, अदरवाइज सारा मैथमेटिकल है। अब देखो मैथमेटिकल पोर्शन स्टार्ट है इसका। एक बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना, ध्यान आगे प्लीज। किसी स्टूडेंट ने मेरे को एक ऑब्जर्वेशन दी, वो कहता है कि ठीक है, एक मान लो किसी चीज़ की लेंथ 2 है, 2 का मतलब उसकी करेक्ट वैल्यू है, हाँ उस ऑब्जर्वेशन में एरर कितना है? 0.1। और एक और ऑब्जर्वेशन दी 3, एरर कितना है? 0.1। मेरे को क्या करना था? इन दोनों ऑब्जर्वेशन को ऐड करना था। अब मुझे एक बात समझ में आती है कि अगर मेरे को एरर ना गिवन होते और करेक्ट वैल्यू गिवन होती 2, करेक्ट वैल्यू गिवन होती 3, और मेरे को कहा जाता सम निकाल लो, तो मैं आंसर क्या बोलता? 2 + 3 = 5। पहली का बच्चा भी कर लेगा 2 + 3 = 5। ये करने नहीं आए, ये तो पता ही है। प्रॉब्लम तो यहां पे है कि अगर किसी ने मुझे क्या दिया साथ में, उसका एरर, 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 तो करेक्ट वैल्यू को करेक्ट वैल्यू में ऐड करके आंसर तो 5, मुझे पहले ही पता था 5 है, पर ये बताओ कि उनके एरर्स का क्या करूं,
पहला लॉजिक, क्या मैं एरर्स को ऐड कर दूं तो 0.1 प्लस 0.1 आंसर क्या आएगा, 0.2। जब वैल्यूज ऐड हो रही हैं उनके एरर्स भी साथ में क्या हुए, ऐड हो गए। यानी कि जब मैं दो गलत वैल्यूज को, गलत मीन्स एरर वाली वैल्यूज को ऐड करता हूं, तो करेक्ट वैल्यूज को तो ऐड करके 5 आना ही है, तो उनकी एरर्स की वैल्यू को क्या करना है, ये पहला आंसर आपको ये चैप्टर देगा। आपको कि आंसर क्या देना, आंसर आया तो पढ़ा है, आंसर नहीं आया पढ़ा ना, क्योंकि जब मैंने उस स्टूडेंट को कहा कि अब तू इन दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर, उसने सब्ट्रैक्ट किया। अगर ये एरर ना होता तो 2 में से 3 के आंसर -1, तो मुझे पहले ही पता था करेक्ट में से करेक्ट किया तो -1 डन। प्रॉब्लम तो ये है ही नहीं, प्रॉब्लम है एरर्स का क्या करूं। तो कोई कहता है एरर का क्या करना, इनको भी माइनस कर दो, 0.1 में से 0.1 गया तो आंसर क्या आया, 0। मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया, मतलब तू मुझे गलत वैल्यू देगा, दूसरी भी गलत वैल्यू देगा और आंसर क्या निकलेगा, सही आंसर निकलेगा। दो गलत वैल्यूज कभी सही आंसर दे ही नहीं सकती, तो इसलिए गलती से भी इन एरर्स को माइनस नहीं करना। तो अगर माइनस नहीं करना तो फिर क्या करना, ये चैप्टर आपको भी बताएगा। तो एरर्स एडिशन में एरर्स का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन में एरर्स का क्या करना है। थर्ड प्रॉब्लम मेरे को, चलो और बड़ी प्रॉब्लम मेरे को, इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है, तो अगर एरर ना होता 2 × 6 तो पक्का ही पता है 6 आंसर आना है, तो क्या करूं, 0.1 × 0.1 0.001 कर दूं, पता नहीं। एरर्स का क्या करूं, नहीं पता, ये चैप्टर आंसर देगा। और ऐसी अगर दो टर्म्स को डिवाइड किया 2/3 पता ही है, तो एरर्स को क्या करूं, 0.1 × 0.1 1, वाह वैल्यू 2/3 और एरर उसमें 1, 2/3 से भी बड़ा एरर। मतलब ये कुछ ऐसी सिचुएशन हुई, किसी टीचर ने कहा कि ऑब्जर्वेशन लेके आओ, मैंने कहा ऑब्जर्वेशन 10 सेंटीमीटर, उसने कहा एरर कितना, मैं कहा एरर मुझे लग रहा है 10 सेंटीमीटर में, 30 सेंटीमीटर एरर। अरे 10 सेंटीमीटर की जगह मैं 40 सेंटीमीटर लेंथ देख रहा हूँ, भगा देगा लैब से मुझे बाहर, कि ये 10 सेंटीमीटर की जगह आप 40 सेंटीमीटर कैसे मेजर कर सकते हो। तो एरर बहुत बड़े नहीं आते, एरर बहुत छोटे रहते हैं, 0.1 0.2 ऐसे। तो एरर्स मल्टीप्लाई तो बिल्कुल डिवाइड करेंगे फिर तो बिल्कुल ही 1 आ जाएगा, वो तो हो नहीं सकता। क्या ये बात समझ में आ रही है, तो ये चैप्टर इसमें डील नहीं कर रहा, वो थ्योरीज में जो मैं कह रहा था उसमें तो कुछ नहीं आता, ये चैप्टर डील कर रहा है कि इनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कैसे करनी है, जो आज हम करेंगे। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि हमने किस लेवल पे काम करना है और क्या करना है, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक आवाज। ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है? यस यस सर। कैलकुलेशन देखें इसकी कैसे करते हैं, ध्यान आगे प्लीज, ध्यान बिल्कुल आगे। अब सपोज हम पहले एडिशन के ऑपरेशन से स्टार्ट करते हैं, 4 करेंगे, एडिशन में एरर्स का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है और डिवीजन में क्या करना है। पहले स्टार्ट करते हैं एडिशन,
एडिशन के अंदर अगर मुझे कोई करेक्ट वैल्यू ऑफ ए देता है बिना डेल्टा ए के, करेक्ट वैल्यू ऑफ बी देता है, तो मेरा आंसर क्या आता है, जेड, उसमें भी कोई एरर नहीं आएगा। तो मैं डेल्टा जेड की बात ही नहीं करूंगा, पहला स्टेप क्लियर है, ठीक। लेकिन अगर मुझे कोई ए विद एरर देता है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी में भी एरर देता है बी प्लस माइनस डेल्टा बी, तो फिर जेड में भी क्या आएगा, एरर आएगा, कितना, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। क्या स्टेप क्लियर है, बिना एरर के, बिना एरर के, बिना एरर के आंसर, एरर के साथ, एरर के साथ, तो एरर भी आएगा। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इस स्टेप में? अब इसमें ओपन करते हैं ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, इसमें से और इसमें से प्लस माइनस बाहर आ गया, क्या बचा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये स्टेप भी क्लियर है, ए प्लस बी का मतलब यहां पर क्या है, जेड, जेड में से जेड कैंसल, प्लस माइनस कैंसल, तो आंसर क्या आया, डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मतलब कि अगर मुझे कोई एरर नहीं देता, ए की करेक्ट वैल्यू देता है, बी की करेक्ट वैल्यू देता है, तो जेड करेक्ट वैल्यू जेड आएगा। पर अगर मुझे ए में एरर डेल्टा ए देता है, बी में डेल्टा बी देता है, तो जेड में एरर आएगा डेल्टा जेड। तो वह एरर आपस में कैसे रिलेटेड होंगे, डेल्टा जेड विल बी इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मैं लगा के दिखाता हूं इसे ऐसे, ये देखो, अगर आपको दो ऑब्जर्वेशन देता है, ये पहली 2 प्लस माइनस 0.1 और ये दूसरी दे दी, आपने अपने मन में इसको क्या माना ए, इसको डेल्टा ए, इसको क्या माना बी, इसको डेल्टा बी, ए डेल्टा ए, बी डेल्टा बी, कोई डाउट इसमें? क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? अब आपको क्या निकालना है, आंसर, आंसर को किससे रिप्रेजेंट करता हूं मैं, जेड, और मैं क्या चाहता हूं, इन दोनों वैल्यूज को ऐड। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो करेक्ट वैल्यू में ऐड करके तो करेक्ट आंसर आएगा, तो 2 + 3 = 5 तो आना ही आना है, तो जेड की वैल्यू तो 5 आनी आनी है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, प्रॉब्लम इसमें इसकी कैलकुलेशन में है ही नहीं, प्रॉब्लम तो इसकी कैलकुलेशन में है। और हमने जब दो नंबर ऐड होते हैं तो फॉर्मूला क्या निकाला, डेल्टा जेड क्या होगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। बोलो इसमें डेल्टा ए कितना है, 0.1, डेल्टा बी कितना है, 0.1, तो डेल्टा जेड कितना आएगा, 0.1 प्लस 0.1 0.2। क्या स्टेप क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है? अगर मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करना चाहता हूं तो अगर एरर ना होता तो 2 + 3 आंसर क्या देता, 5, तो जेड तो 5 बिल्कुल ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हमारा ये चैप्टर डेल्टा जेड के कैलकुलेशन में काम कर रहा है, और डेल्टा जेड का फॉर्मूला क्या कहता है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स में, कि दोनों डेल्टा ए और डेल्टा बी को क्या कर देना है, ऐड। तो ऐड करने का मतलब 0.1 प्लस 0.1 आंसर क्या आएगा, 0.2। इन शॉर्ट, इससे भी आसान तरीका, ये प्रूफ है, किस चीज का प्रूफ है, कि अगर आपको दो ऑब्जर्वेशन गिवन है विद एरर गिवन है, तो आप और दोनों नंबर्स को आप ऐड करना चाहते हैं, तो आप 2 में 3 तो सिंपल ऐड करके 5 निकाल ही देंगे, तो इनके एरर्स को भी सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जब दो नंबर्स ऐड होते हैं तो उनके एरर्स भी आपस में ऐड होते हैं, ये प्रूफ है, आपके सामने ही है। तो आपने सही नंबर को सही नंबर में तो ऐड कर ही दिया, आपने एरर को एरर में ऐड कर दिया। क्या ये पहला प्रूफ क्लियर है? ये चीज मैं डायरेक्टली बता ही चुका था, 0.2। पर प्रॉब्लम एडिशन ऑफ टू नंबर में तो है ही नहीं ना, प्रॉब्लम तो डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन में है। क्या ये पहला रूल सबको क्लियर है? तो क्या रूल बनाया हमने, अगर दो ऑब्जर्वेशन हैं और दोनों ऑब्जर्वेशन को ऐड करना है तो उनके एरर्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड। और कौन से एरर्स, एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि डेल्टा से कौन रिप्रेजेंट करता है, कौन सा एरर रिप्रेजेंट किया जाता है, एब्सोल्यूट एरर। कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक? जैसे क्वेश्चन आएगा आपको, आपके पास दो रेजिस्टेंसेस हैं इलेक्ट्रिसिटी की, एक की वैल्यू कितनी है, 100 + -3 एरर के साथ। तो अपने मन में सोचो, ये R1 है तो ये क्या है, डेल्टा R1, R1 डेल्टा R1। दूसरी रेजिस्टेंस कितनी है, R2 डेल्टा R2 एरर के साथ है, क्लियर है? दोनों को किस में कनेक्ट करना है, सीरीज में। सीरीज में दोनों रेजिस्टेंसेस को ऐड करते हैं, तब खुद सोचो, अगर दोनों को ऐड करते हैं और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है तो वो भी विद एरर आएगी। क्यों आएगी विद एरर, क्योंकि दोनों ऑब्जर्वेशंस एरर के साथ है, तो आंसर भी एरर के साथ आएगा। तो सोचो, अगर ये एरर ना होता तो आंसर 200 + 100 = 300 था, बात ही खत्म। मुझे दो वैल्यूज गिवन है, मुझे इन दोनों को ऐड करना है,
ऐड करके मेरा आंसर आर एस, आर एस का मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, याद है? तो बोलो आर एस क्या होगा, आर एस का मतलब करेक्ट वैल्यू बिना एरर के। बिना एरर के आर वन कितना है 100, बिना एरर के आर टू कितना है 200, तो 100 + 200 क्या देगा 300, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। एरर्स भी आपस में क्या होंगे ऐड, तो बोलो क्या आएगा 3 + 4 कितना 7, क्या ये स्टेप क्लियर है? तो जब एडिशन ऑफ टू नंबर्स होगा तो उनके एब्सोल्यूट एरर भी सिंपली ऐड कर देने, बात खत्म, कोई डाउट इसमें? जो हमने ये प्रूफ किया, ये प्रूफ किया, ये नहीं आता प्रूफ, तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि अगर मैं सीधा फॉर्मूला करवा दूंगा तो पहला क्वेश्चन आप मुझसे यही पूछोगे सर कैसे कैसे, तो इसलिए मैं आपको बुक्स में भी प्रूफ गिवन है, पढ़ाते नहीं है स्कूल में, पर हाँ मैंने करवा दिया, आप स्कूल के टीचर से पूछ लेना करने हैं कि नहीं करने, वैसे नॉर्मली आते नहीं, इसका न्यूमेरिकल आता है, बट आपको एक्सप्लेनेशन क्लियर ऐसा क्यों हुआ। अब सेम एक्सपेरिमेंट हम करते हैं किसमें, इन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का रूल देखना, सब्ट्रैक्शन में अगर आपको ए विदाउट एरर दे, बिना एरर के करेक्ट वैल्यू ए है, बिना एरर के बी की करेक्ट वैल्यू बी है, और दोनों को अगर माइनस करें तो आंसर क्या आता है जेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर ए में एरर दें ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी में एरर दें बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और दोनों को माइनस करें तो जेड में भी साथ की साथ क्या आएगा एरर, मानते हो? बिना एरर के, बिना एरर के, बिना एरर के, एरर के साथ, एरर के साथ, तो एरर के साथ आंसर, क्लियर है यहां तक? अगर मैं इसे ओपन करूं तो ये ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी, और जब ओपन करेंगे तो प्लस माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा माइनस प्लस, ये स्टेप क्लियर है सबको, कोई डाउट इसमें? ये स्टेप समझ में आ गया? आगे इसमें ए माइनस बी एक ब्रैकेट में अलग कर लिया। एक बात बताओ, प्लस माइनस का मतलब होता क्या है, प्लस की माइनस दोनों में से कोई भी, अगर पता ही होता प्लस तो फिर अकेला प्लस नहीं लगा देता, अगर पता ही होता माइनस तो माइनस लगा देता। प्लस माइनस का मतलब या प्लस या माइनस, माइनस प्लस का मतलब क्या है, सेम या माइनस या प्लस, तो जब आप श्योर ही नहीं हो तो कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब प्लस माइनस और माइनस प्लस में कोई फर्क है ही नहीं, जब पता ही नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब प्लस माइनस में जब कोई फर्क ही नहीं है तो क्या मैं इन दोनों टर्म में से प्लस माइनस कॉमन निकालूं तो क्या बचेगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये स्टेप क्लियर है, फर्क तो है ही नहीं, तो प्लस माइनस कॉमन निकाल के डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब ए माइनस बी किसके इक्वल है यहां पर, जेड, जेड से जेड कैंसिल, तो डेल्टा जेड किसके इक्वल आ गया डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो देखो क्या रूल आया, चाहे दो नंबर्स आपस में क्या हो रहे हो सब्ट्रैक्ट, उनके एरर्स सब्ट्रैक्ट नहीं होते, उनके एरर्स फिर से क्या होते हैं ऐड ही होते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये प्रूफ है, प्रूफ नहीं आएगा समझाने के लिए, ऐसा आएगा अगर दो ऑब्जर्वेशन हैं, ये मान लो ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, दोनों को मैंने माइनस करना है, तो माइनस करने पे अगर ये एरर ना होता तो करेक्ट वैल्यू में से करेक्ट वैल्यू माइनस करके आंसर सिंपली क्या आना था -1। जेड कैलकुलेशन में तो प्रॉब्लम ही नहीं ना, सिंपल इसमें से इसे माइनस करके -1, प्रॉब्लम है कि इसका क्या करना है। और हमने एक फॉर्मूला निकाला, जब दो नंबर सब्ट्रैक्ट होते हैं तो उनके एब्सोल्यूट एरर आपस में क्या होते हैं ऐड होते हैं, तो क्या आएगा 0.1 माइनस 0.1 नहीं 0.1 प्लस 0.1, तो आंसर यहां पर क्या आएगा 0.2। बोलो प्रूफ नहीं पूछा जाता, आपको ये ऑब्जर्वेशन समझ में आ रही है, ये आपके न्यूमेरिकल में काम आएगी, वो आपको सिंपली दो वैल्यूज देगा किसी चीज की, वो कहेगा मैंने मान लो इस रूम की लेंथ मेजर की L1 विद एरर इतनी,
और मान लो एक और लेंथ मेजर की इतनी, कहेगा दोनों लेंथ में डिफरेंस निकाल लो, तो आप क्या करोगे, एग्जैक्ट नंबर में से एग्जैक्ट नंबर तो माइनस कर ही दोगे, पर उनके एरर्स कभी भी माइनस नहीं करोगे, एरर्स क्या करोगे, ऐड ही करोगे। क्लियर है? और आपको एक और बढ़िया रूल बताता हूँ, कभी इस चैप्टर में आप एरर्स की कभी कैलकुलेशन कर रहे हो और गलती से करते करते एरर सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, पेन को वहीं छोड़ देना और अपने मन को कह देना तू गलत कर रहा है। एरर्स इस चैप्टर में कभी भी सब्ट्रैक्ट होते ही नहीं हैं। गलती और गलती, बड़ी गलती, गलती गलती माइनस नो गलती कभी नहीं होती इसमें। तो एक गलती, बड़ी गलती, छोटी गलती, माइनस और छोटी गलती, ऐसा कभी रूल नहीं है। बस एरर्स हमेशा हर फॉर्मूले में ऐड ही होंगे। तो आप जब कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो और आपको लग रहा है नहीं यार एरर्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो पक्का आप ही गलत हैं, एरर्स का चैप्टर गलत नहीं है। तो आप फिर कुछ समझ में ना आए ना, माइनस को ना प्लस ही करके आना, माइनस मत करके आना, क्योंकि एरर्स कभी सब्ट्रैक्ट ही नहीं होते, बात ही खत्म, सिंपल। तो इसके अंदर भी मैंने बता दिया एरर्स ऐड होते हैं, एक्चुअल नंबर सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, वो बात अलग है। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? ठीक है। अब जैसे दो मासेज हैं, मान लो दो ऑब्जर्वेशंस हैं, एक मास इतने ग्राम्स है विद एरर, एक मास इतने ग्राम्स है विद एरर, दोनों का सम की जगह ना सब्ट्रैक्ट लिखो, सब्ट्रैक्ट। तो आपने दोनों का क्या करना है, मासिस को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। देखो अब आप एक्सपर्ट हो, दो मासिस को सब्ट्रैक्ट करना है ना, कैसे, इस मास को इस मास में से क्या करेंगे, प्लस की माइनस, मास एक्चुअल मासिस को सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, पर एरर्स को क्या करेंगे, प्लस। तो आंसर क्या आएगा, 23.7 माइनस 17.6, ये तो आएगा ही आएगा। ये देखो इसके अंदर इस वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू में से एग्जैक्ट वैल्यू तो माइनस होनी होनी है, लेकिन एरर्स कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, एरर्स आपस में क्या होंगे, एड। आंसर कोई डाउट इसमें? तो एडिशन का न्यूमेरिकल भी आ गया, सब्ट्रैक्शन का भी आ गया, आना न्यूमेरिकल ही है, आना पेपर में न्यूमेरिकल ही है, थ्योरी नहीं आती इसके ऊपर, और बिना थ्योरी के कुछ कर नहीं पाओगे। करने को मैं फॉर्मूले से भी चैप्टर स्टार्ट कर सकता था और आज खत्म भी कर देता, पर कल को अगर कोई ट्विस्ट आ गया क्वेश्चन में और कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया जिसमें इस कैलकुलेशन यूज होती हो, डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी कुछ ऐसा, तो आप वो कैलकुलेशन रीड नहीं कर पाओगे। तो मैं चाहता हूँ आप प्रूफ देखें, सिर्फ समझें, पर हाँ न्यूमेरिकल कैसे करने हैं उस पर फोकस करें। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब सपोज करो इस शीट के बाद जो नेक्स्ट शीट है, शीट नंबर 2, आपकी शीट्स के ऊपर ना नंबरिंग दी जाती है, जो मैंने इसमें एक्सप्लेन की है, हर शीट पे नंबर गिवन होगा, शीट 1, शीट 2, उस पर लिखा भी होता है एनसीईआरटी और ब्रैकेट में कंपटीशन। तो आपकी तैयारी में हेल्पफुल रहेगी, जब स्कूल का आप प्रिपरेशन करेंगे तो एनसीईआरटी की शीट सी करके जानी है, पूरी किताब में लिखा हुआ है सारे वॉल्यूम्स में, और जब कंपटीशन करके जाना है तो फिर कंपटीशन की शीट्स करके जानी है। और मेरे पास सितंबर सितंबर दिसंबर फाइनल एग्जाम जब होगा, क्योंकि 4-5 किताबें हैं, तो शीट्स तो 150 से ऊपर है, अभी तो दूसरी शीट पे पहुंचे हैं आज हम, 150+ होंगी, 125 तो पक्का ही है, ठीक, साल भी तो है, आज थोड़ा करनी है, ठीक। तो उस मैंने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बना रखे हैं स्पेशली स्कूल के लिए, ताकि आप कोई टॉपिक मिस ना कर जाएं, सिलेबस बहुत ज़्यादा है इसलिए लिस्ट बना रखी है, वो लिस्ट मैं आपको दे दूंगा पेपर से पहले। उस लिस्ट में जैसे टॉपिक है कि प्रूव दैट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज रियल लॉ ऑफ मोशन, प्रूफ डेरिवेशन आती है, थ्योरी आती है, तो उसके ब्रैकेट में मैंने शीट नंबर लिखी होती है, तो फिर आपको ना ढूंढना आसान हो जाएगा कि शीट नंबर 30 शीट में मिलेगा, तो आप फटाफट उस शीट में देख सकते हो, ये इसका पर्पस है, ठीक। तो देखो डिवीजन की बात करते हैं, डिवीजन के अंदर अगर आप करेक्ट वैल्यू ऑफ ए और करेक्ट वैल्यू ऑफ बी लेते हैं, तो करेक्ट वैल्यू ऑफ क्या आता है, जेड आता है, राइट। लेकिन अगर आप ए विद एरर लेते हैं, बी विद एरर लेते हैं, तो जेड विद एरर आएगा। कोई डाउट इसमें? क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, एक स्टेप ध्यान से देखना, न्यूमिनेटर में से ए कॉमन निकाल लो, ए कॉमन निकाल लो, तो यहां पर क्या बचेगा, 1। यहां से डेल्टा ए से ए नहीं आप छीन सकते, बताया था इकट्ठे हैं,
तो डेल्टा ए को डिवाइड करना पड़ेगा आपको ए से, कॉमन निकालना आ रहा है, इसमें से जब ए कॉमन निकलेगा तो यहां पर क्या आएगा वन, यहां पर क्या आएगा डेल्टा ए बाय ए, करके देख लो, मल्टीप्लाई करो ए इंटू ए, वन इज ए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए से ए कैंसिल डेल्टा ए, एक ही बात है। सिमिलरली नीचे से बी कॉमन निकाल लें तो बी कॉमन निकलेगा तो यहां पर क्या आएगा वन, और यहां पर क्या आएगा डेल्टा बी बाय बी, राइट। इस पूरे न्यूमिनेटर को, डिनोमिनेटर को जब न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे होल रेज टू पावर माइनस वन, तो ये स्टेप यहां तक क्लियर है। अब आगे चलने से पहले मैथ्स में एक और फॉर्मूला है, एक और इक्वेशन है, एक चैप्टर करवाया जाता है नॉन मेडिकल वालों को, मेडिकल में कोई नहीं आता, यहीं तक करेंगे हम, यहीं सीखेंगे, जिसको बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। बाइनोमियल थ्योरम मैथ्स के टीचर करवाते हैं, मुझे जितनी चाहिए मैं उतनी करवाता हूँ। जैसे सपोज करो आपको एक इक्वेशन गिवन है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 7 बाई टू, और मैं कहता हूँ ब्रैकेट ओपन करो, अरे आपको क्या ब्रैकेट ओपन करो 7 बाई टू की एक्सपेंशन, हमने ये तो सुना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, कभी आपने सुना है ए प्लस बी रेज टू पावर 7 बाई टू को ओपन करो, नहीं सुना। मैथ्स में प्लस वन में करवाते हैं, कोई भी टर्म ए प्लस बी रेज टू पावर माइनस 7 बाई टू ओपन करो, तो मैथ्स के टीचर सारा करवाएंगे। तो कौन से चैप्टर में करवाते हैं, बाइनोमियल्स, बाइनोमियल में काम किया जाता है। हमने नहीं करनी, हमने एक फॉर्मूला सीखना है। हमारा फॉर्मूला सिंपल है कि अगर पहली टर्म वन है, वन ही होनी चाहिए, वन है, दूसरी कुछ भी है मुझे मतलब नहीं, और पावर कुछ भी है चाहे 7 बाई टू 3 बाई टू माइनस वन कोई चक्कर नहीं, तो जब मैं इसे एक्सपैंड करूंगा तो एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेट रिजल्ट मेरे पास जो आएगा वो एन को इससे मल्टीप्लाई कर दो एन इंटू एक्स ही आएगा। ये मैंने फॉर्मूला मैथ से लिया है और आपको मैंने बताया है, तो इसकी डिटेल मैथ्स वाले बताएंगे, मेडिकल में नहीं चाहिए, वो इतना ही चाहिए जितना चाहिए नॉन मेडिकल, मेडिकल और फिजिक्स में। तो अगर पहली टर्म वन है, दूसरी कुछ भी है, ऊपर एन है, आप इसे एक्सपैंड करना चाहते हो तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू को क्या लिखोगे, एन को इससे क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। मैंने ऐसा क्यों सिखाया, क्योंकि मैं फंस चुका हूँ इसकी पावर क्या है माइनस वन, और मुझे इस ब्रैकेट को ओपन करना है। अब ओपन मैं तो कर नहीं सकता 9th-10th के मैथ से, तो मुझे क्या लगानी पड़ेगी बाइनोमियल। बाइनोमियल क्यों, क्योंकि पहली टर्म क्या है वन, दूसरी टर्म से फर्क पड़ता नहीं, एन क्या है यहाँ पर माइनस वन, तो एन को इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो ऐसे ही माइनस वन को इससे मल्टीप्लाई कर दें। इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे, माइनस वन को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस माइनस फिर से क्या बन जाएगा माइनस प्लस, पर प्लस माइनस माइनस प्लस में कोई फर्क होता नहीं है। पर कैसे एक्सपैंड किया समझ में आया, यहाँ तक मैथ्स का रूल लगाया और मैथ्स के रूल में इसको इससे मल्टीप्लाई किया, उसी तरीके से इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ भी होता कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, मैथ्स सिखाएगा आपको, आप उतनी टेंशन मत लो, फिजिक्स में इतनी चाहिए, क्लियर है आप। खैर ये तो प्रूफ भी नहीं आता, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से ये एक्सपेंशंस हैं। तो ये स्टेप आ गया, बस लास्ट स्टेप देखो, इस दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके ओपन करो, ध्यान से इधर देखो, वन को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा ए बाई ए, और डेल्टा ए डेल्टा बी ए पॉन बी, चार टर्म्स आ गई, क्लियर है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये लास्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो इसको आगे चलने से पहले ये जो टर्म है ना ये बहुत छोटी है, आपको यार पढ़ तो मैं भी रहा हूँ, आप मुझे कैसे पता लगा छोटी है, आपको नहीं पता लगा छोटी है, ये कैसे पता लग रहा है कि ये छोटी है ये बड़ी है, ऐसे कैसे। देखो सपोज करो कोई वैल्यू ए और डेल्टा ए गिवन है 2 ± 0.1, एरर बहुत छोटे होते हैं मैंने बताया था, और बी प्लस माइनस डेल्टा बी ये गिवन है, और मुझे कैलकुलेशन करनी है इस फॉर्मूले की डेल्टा ए डेल्टा बी ए बी की, तो डेल्टा ए की जगह क्या पुट करेंगे 0.01, डेल्टा बी की जगह क्या पुट करेंगे 0.02, ए की जगह 2 बी की जगह 3, जब सॉल्व करेंगे तो आंसर देखो क्या आ रहा है 0.00033, ये तो बहुत छोटा है, इतनी छोटे लेवल पे थोड़ी नाम ले लेके टर्म्स को घूमेंगे। ये तो वही बात हो गई कि बैंक में एफडी पड़ी थी 10 लाख रुपए की और बैंक वाले को कहा भैया मेरे पैसे बनते हैं, कितने बनते हैं 10,00,000333 रुपीज, अरे वो कहेगा यार छोड़ दो इसे निगलेक्टेड, इतने पैसों पे कोई हिसाब नहीं रखता, इतनी बड़ी वैल्यू के साथ छोटी वैल्यू निगलेक्टेड, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो बड़ी वैल्यूज के सामने छोटी टर्म निगलेक्टेड, क्या करोगे इतनी छोटी कैलकुलेशन, तो इसके सामने ये अप्रोक्सीमेटली निगलेक्टेड, छोड़ दो इसे क्योंकि ये टर्म बहुत छोटा रिजल्ट देगी। तो आपके पास ये टर्म बच गई, तीन टर्म्स बच गई,
इन तीन ये जो टर्म बची, इन दोनों टर्म्स को जेड से डिवाइड कर दो, लेफ्ट को भी और राइट को भी। अब जेड होता क्या है इसमें, ए अपॉन बी। जेड क्या है इस क्वेश्चन में, डिवीजन में, ए अपॉन बी। तो जेड बाय जेड क्या है, वन, डेल्टा जेड बाय जेड, और ए बी और जेड आपस में क्या हो गया, कैंसल। तो ये तीन टर्म्स बच गई आपके पास, ये तो कैंसिल ही कर दिया मैंने। अब जेड बाय जेड क्या होता है, वन, वन से वन कैंसल, तो प्लस माइनस से प्लस माइनस कैंसिल, तो फाइनल ये आंसर आ गया। आपको प्रूफ नहीं करना, सिर्फ बताने के लिए बताया आंसर कैसे आया। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला करना है। क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला है रिलेटिव एरर आपस में ऐड हो रहे हैं। तो जब दो टर्म डिवाइड होंगी तो डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी का फॉर्मूला लगेगा। कोई डाउट इसमें कैसे करना है न्यूमेरिकल, उससे समझ में आएगा। आपको दो नंबर गिवन होंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी गिवन है। आपको इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये तो क्लियर है, डिवाइड करने पे 2/3 तो आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम किसकी है, हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा जेड। अब डेल्टा जेड की कैलकुलेशन में फॉर्मूला क्या लगेगा, ये लगेगा। और जेड किसके इक्वल है, 2/3। ये स्टेप क्लियर है, जेड में तो कुछ करना ही नहीं, आपने जब इन दो नंबर्स को डिवाइड करना है तो जेड क्या आएगा, 2/3। तो जेड तो निकाल ही लिया, अब साथ में क्या निकालना है, डेल्टा जेड। तो डेल्टा जेड का फॉर्मूला लिखें, इस फॉर्मूले में डेल्टा ए की जगह क्या पुट करेंगे, 0.1, ए की जगह 2, डेल्टा बी की जगह 0.2, बी की जगह 3। ये देखो चारों वैल्यूज पुट कर दी, और जेड की जगह क्या पुट करेंगे, 2/3। तो सॉल्व करके क्या निकाल लिया आपने, डेल्टा सेट। क्या ये पॉइंट क्लियर है, ये आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सॉल्व करके। डेल्टा तो डिवीजन लंबा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐड करना होता है, सिर्फ डिवीजन में ये फॉर्मूले से डेल्टा जेड निकलता है, इस फॉर्मूले से। तो ये सारी वैल्यूज पता है, सॉल्व करके क्या आ गया, डेल्टा जेड। तो फाइनल आंसर क्या होगा, जेड तो पता ही है 2/3, डेल्टा जेड की जगह 0.077। तो डिवीजन के अंदर डेल्टा जेड निकालने में थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई चक्कर नहीं, ऐड कर देंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है। और ऐसे ही है मल्टीप्लीकेशन, एक लाइन का मल्टीप्लीकेशन क्या, अगर करेक्ट वैल्यू करेक्ट वैल्यू करेक्ट वैल्यू, ए विद एरर, बी विद एरर, जेड विद एरर, सेम। एक काम करो, इसमें से ए कॉमन, इसमें से बी कॉमन, ए इंटू बी एक ब्रैकेट, ए इंटू बी यहां पर क्या है, जेड, क्योंकि जेड यहां पर ए इंटू बी है, हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। दोनों तरफ से, दोनों तरफ को जेड से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या होगा, जेड बाय जेड वन, ये क्या देगा, डेल्टा जेड बाय जेड, ये तो हट ही गया, तो ये टर्म आ गई। बाकी स्टेप सेम है, इसे ओपन करो, सेम डिवीजन वाला सेम प्रूफ है, ये निगलेक्ट कर दो, आंसर भी एग्जैक्टली सेम है। तो चाहे डिवीजन हो चाहे मल्टीप्लीकेशन, प्रूफ तो आपने करना नहीं, लेकिन फॉर्मूला याद करना है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, कोई डाउट इसमें। तो जैसे दो नंबर्स मल्टीप्लाई करने को आएंगे तो z क्या आएगा, 2/3, 6। ये क्लियर है, 6 में तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या ढूंढना है, डेल्टा z। तो डेल्टा z में फॉर्मूला ये लगेगा, लिख लिया फॉर्मूला, इसमें डेल्टा a, a डेल्टा b, b यहां से पुट कर लेंगे चारों, और z की जगह क्या पुट करेंगे, 6। 6 राइट साइड पे जाएगा, डेल्टा z आएगा, फिर पुट करना z, तो 6 बताइए, डेल्टा z इज 0.7। क्या आपको पॉइंट समझ में आया, एडिशन सब्ट्रैक्शन में एरर्स को सिंपली ऐड कर देना है, सिंपल। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में दोनों में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, कोई डाउट इसमें, फॉर्मूलास क्लियर है, याद हो गए फॉर्मूलास। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसकी एप्लीकेशन, कोई थ्योरी नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ इसके न्यूमेरिकल्स हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है, थ्योरी का लेक्चर काम खत्म है इसमें, तो अब हम क्या करेंगे, इसके सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके अगली बार हम डेल्टा जेड की कैलकुलेशन पे काम करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम करते हैं, टाइम ओवर।